दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा, इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है। परमिशन अभी हमें नहीं मिली है। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। और इंदौर में सनातनी धर्म में वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत 18 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। किसी ने गलती से परिवर्तन कर लिया बहला फुसला के, तो ये अपराध है। और घर वापसी करना, घर से गुस्से में भाग जाना और घर वापस लौट आना अपनी गलतियों का परिमार्जन है। दोस्तों, भले ही हिंदू समाज के 90% लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि उनके अपने सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, भले ही एक तबके को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये अब हो रहा है जब तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब ऐसा हो रहा है, तब खुलेआम तुम्हारी बेटियों को मुस्लिम बनाने की नीति और ऐलान किए जा रहे हैं और शर्म किसी को नहीं आ रही, मजाक किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने खुलेआम ये बात कही कि अब हम सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं, और इसकी उसने बाकायदा परमिशन मांगी और बयान जारी करके कहा कि हम हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाएंगे, सामूहिक विवाह कराएंगे। 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा, इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है। परमिशन अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, करते किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है। और सेकुलर हिंदुओं को शर्म नहीं आई, सेकुलर हिंदू अभी भी अपने में ही मस्त है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं के साथ क्या हो। अब इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो पूरे हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए था, क्योंकि तौकीर रजा खान बात सिर्फ भाजपा के हिंदुओं की तो कर नहीं रहा था, वो तो सारे हिंदुओं की बात कर रहा था। तो आखिर क्यों नहीं हिंदू बोले? हिंदू इसलिए नहीं बोले क्योंकि हिंदुओं को इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे सारे हिंदू मिट जाएं या चाहे सारे हिंदू मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन चंगा और कठौती में गंगा वाली स्थिति में वो खुश नजर आ रहे हैं। खैर, इन्हीं सब के बीच में एक थोड़ी सी खुशखबरी आई कि कुछ हिंदू संत, कुछ हिंदू नेता कोशिशें कर रहे हैं कि इन्हीं तरह मौलानाओं और मौलवियों के चक्कर में जिन लोगों ने इस्लाम को कभी अपना लिया था, उनको फिर से सनातन धर्म में वापस लाया जाए। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। हमारा संपर्क चल रहा है काफी लोगों से और निरंतर ये घर वापसी का कार्य चलता रहेगा। विधर्मियों का काम है धमकी देना, हमारा काम है काम करके देना। हम तो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये खबर आई है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में एक जगह है खजराना स्थित गणेश मंदिर। अगर आप घर वापसी से जुड़ी घटनाओं को देखते रहते हैं या आपने दी साइंटिफिक हिंदू के तमाम वीडियोस को देखा होगा तो आप इस जगह को भी अच्छे से जानते होंगे। ये वही जगह है जहां पर ऐसी ही घर वापसी होती रहती है, लोगों को सनातन धर्म में वापस लाया जाता रहता है। और इस दौरान खबर आई है कि फिर से यहां पर घर वापसी हुई है, और एक दो नहीं बल्कि 18 लोगों ने यहां पर सनातन धर्म को अपना लिया है, और सभी कट्टर इस्लाम को मानने वाले थे। दोस्तों, इन्होंने जब घर वापसी करी तो सिर्फ इनकी घर वापसी नहीं की गई बल्कि इनके नाम भी बदले गए। सनातन धर्म को अपनाने वालों में 12 लोग खजराना क्षेत्र के हैं और 2 लोग मंदसौर के हैं। सभी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इस समय पर उनके नाम भी बदले गए। चलिए आपको थोड़ा सा नाम भी बता देते हैं। इनमें से शाजिया हाशमी को सपना का नाम दिया गया, अल्फीजा को आलिया का नाम दिया गया, आमिना से अमृता, आरजू से एलिना, अदनान शाह को आरो बना दिया गया जो तरन्नुम थी वो अब तमन्ना नाम से जानी जाएंगी, मुमताज भी अब मीना नाम से जानी जाएंगी, मुबारक शाह अब मुकेश बन चुके हैं, शमीर अब शावन बन चुके हैं, सोफिया अब भूमिका बन चुकी हैं,
अबेल मसीह अब भरत बन चुके हैं, आयाना अब प्रशंसा बन चुकी है, अफसाना अब आरती बन चुकी हैं और मरियम से आशिता बना दिया गया है। इन्हीं में से जो साजियां हैं, जो कि अब सपना बन चुकी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सनातन धर्म में महिला पुरुषों को समान अधिकार है, मैंने बिना किसी दबाव के सनातन धर्म को अपनाया है। और अभी एक खबर आई होगी आपको कि एक हैदर थे जो कि हरि नारायण बन चुके थे, उनके घर पर हमला भी किया गया था कट्टरपंथियों द्वारा। तो अभी उन्होंने कहा कि पहले तो सिर्फ मैंने अपनाया था, लेकिन अब मैं अपने सारे परिवार वालों को भी सनातन धर्म में वापस लाऊं। और हमारा संपर्क चल रहा है काफी लोगों से और निरंतर ये घर वापसी का कार्य चलता रहेगा। विधर्मियों का काम है धमकी देना, हमारा काम है काम करके देना, हम तो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। और उन्होंने बाकायदा ऐलान करके ये बात कही थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हैदर के अब और भी परिवार के सदस्यों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। इन सारे 18 के 18 लोगों ने सामूहिक बयान जारी करते हुए कहा कि इनके पूर्वजों ने मुगलों के डर के कारण सनातन धर्म छोड़ा था और इस्लाम को अपनाया था। अब इसे धर्मांतरण मत कहिए, ये घर वापसी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदौर में अभी तक हाल ही में यानी 15 से 20 दिनों के अंदर ही 3 दर्जन से ज्यादा लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर चुके हैं। ये जो 18 लोग हैं इनमें 10 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। इन सभी लोगों ने पहले तो हवन करा, उसके बाद सीधे ये खजराना के गणेश मंदिर पहुंचे और वहां पर इन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर सामने आती है कि जो हैदर से हरि नारायण बने थे, उनकी पत्नी जिनका नाम मरियम शेख था, वो विरोध कर रही थी कि तुमने इस्लाम को छोड़ा, लेकिन जब कट्टरपंथियों ने उनके घर पर हमला किया तो वो भी समझ गई कि ये धर्म किसी का नहीं है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो उन्होंने भी सनातन धर्म को अपना लिया। मेरे मिस्टर इन चीजों में जुड़े हुए हैं तो उनका सपोर्ट कर रही हूँ, हर चीज में उनका सपोर्ट करूंगी, आखिरी दम तक करती रहूंगी। हैदर से हरि नारायण बने युवक ने बताया, कई बार उनके घर पर हमला हो चुका है, सरतन से जुदा की बात भी मुझसे कही जा चुकी, धमकी दी जा रही है लगातार, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। अब मैं खुद तो हिंदू बना ही हूँ, साथ ही और भी जो लोग हैं उनको भी हिंदू बनाने की कोशिश करूंगा मैं। विश्वी नेताओं ने इन पर कहा कि देखिए इनके जो पूर्वज थे वो मुगलों के डर से सनातन धर्म को छोड़ दिए थे और मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अब उनकी घर वापसी हम करवा रहे हैं और हम ऐसे ही घर वापसी कराते रहेंगे। इस दौरान खजराना मंदिर में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि एक समाज जाना ही जाता है अप्रिय घटनाओं के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।